कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रथम दिन में जहां कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक एवं संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव शामिल हुई। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद से पूरे धूमधाम के साथ कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में तैयारी चल रही है। नवरात्रि के पहले दिन जहाँ सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालते हुए नवरात्रि के प्रथम दिन पर पूरे भक्ति में माहौल में शहर को कर दिया, वहीं बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक एवं संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव कलश यात्रा में शामिल होकर पूरे भक्ति के माहौल में डूबी नजर आई। कोरिया जिला मुख्यालय में नवरात्र की धूम बड़े ही जोश खरोश से देखी गई। सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए माता से यही प्रार्थना करूंगी कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और यह त्यौहार हम सभी का बहुत अच्छे से बीते। हाँ, पूरे क्षेत्र में तैयारियाँ चल रही हैं, मेरे पूरे विधानसभा में भी बहुत तेज़ी से बहुत ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही हैं। ग्रामीण एरिया से भी लोग बैकुंठपुर चर्चा आने की तैयारी में हैं दशहरे के लिए। दोनों जगह ही रावण दहन की भी तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ, एक से ज़्यादा ग्रुप्स आगे आए थे, पर रावण दहन के लिए जिनको परमिशन मिला है बैकुंठपुर में, उनका रावण अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जिनको परमिशन नहीं मिला था वो अपना रावण तैयार बिना परमिशन के ही कर लिए थे। मैंने कोशिश की बैठाकर एक समन्वय मिला करके, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो इसमें सब एक साथ मिलकर करते तो मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी होती, पर ईश्वर की इच्छा ऐसा नहीं हो पाया।